हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल योगी स्टडीज़। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं नए वीडियो के साथ, जो कि 24 मार्च का जो करंट अफेयर्स का क्विज़ है, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लेंगे कि नया नया क्या करंट अफेयर्स हैं कल को, जो कि बीते हुए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। सो सबसे पहला सवाल है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट नेशनल अवार्ड 2019, बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड। तो ऑप्शंस हैं दिल बेचारा, छपाक, असुरन एंड मराक्कर, अरबिका दिलेंते सिम्हम। ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर नाम है जो कि साउथ इंडियन मूवीज़ में अक्सर होता है। तो इसका मतलब यह है कि कौन सा फिल्म सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 को जीता है। तो आइए देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर है मराक्कर, अरब कंदिलिंते सिम्हम। तो 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, जो कि मार्च 22 को अनाउंस किया गया था, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, याद रखिएगा, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड की कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला है मराक्कर मूवी को, जिसका निर्देशन यानी कि डायरेक्ट किया गया है प्रियदर्शन के थ्रू। प्रियदर्शन वही हैं जो कि हेरा फेरी, फिर से ढोल और भी बहुत सारे मूवीज़, धमाल, ये सब मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं बॉलीवुड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मूवी वॉन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड एट द नेशनल फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड्स, बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड। पिछला वाला जो था बेस्ट फिल्म अवार्ड था नेशनल लेवल पे, तो यहाँ पे है हिंदी फिल्म में है छिछोरे, तान्हाजी, पंगा और थप्पड़। आइए देख लेते हैं उसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है हिंदी में जो है छिछोरे है, जो कि नितेश तिवारी के निर्देशन में की गई थी छिछोरे, जिसमें जो कि सुशांत सिंह राजपूत जिसमें किरदार किए थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कि वरुण, फुकरा वरुण एंड नवीन पॉली शेट्टी एंड श्रद्धा कपूर भी थी इसमें। और बता दूं दोस्तों कि हिंदी के लिए, हिंदी में जो बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड जीता गया है 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में, वो है छिछोरे हिंदी में, जबकि तमिल में है असुरन और तेलुगु में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वो है जर्सी। तो ये तीनों आपको याद रखना है, तमिल, हिंदी और तेलुगु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता था नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। आइए देख लेते हैं कौन है वो। तो इसका आंसर है कंगना रनौत। कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला उनके दो मूवीज़ के लिए। सबसे पहला मूवी जो कि वेल डिज़र्विंग था, वो है मणिकर्णिका, जो कि झांसी की रानी के ऊपर बेस्ड था, और एक मूवी है जिसका नाम है पंगा, जिसके लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और बता दूं दोस्तों, बेस्ट एक्टर के लिए जो जो जिन्होंने जीता है ये नेशनल फिल्म अवार्ड, वो है धनुष, जो कि असुरन के लिए, और मनोज वाजपेयी को मिला है भोसले फिल्म के लिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, धनुष को असुरन के लिए मिला और मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When will India begin vaccinating everyone above 45 years? जैसा कि हम लोगों को सबको पता है कि ये जो वैक्सीनेशन हो रहा था, ये सारे उन लोगों को हो रहा था जिनका अबव 60 ईयर्स थे। जो भी 60 ईयर्स के नीचे थे, उनका अगर कोई मेडिकल इशू था, उन्हीं का वैक्सीनेशन हुआ जा रहा था। तो अभी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, बहुत ही अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि 45 इयर्स अबव वाले लोग भी अब वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो ये ड्राइव जो है ये कब से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शंस है अप्रैल 1, अप्रैल 15, अप्रैल 30 एंड मई 1। तो आइए देख लेते हैं इसका जवाब। इसका जवाब है अप्रैल 1, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने मार्च 13 को ही ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि 45 इयर्स अबव जो भी हैं वो सारे लोग अप्रैल 1 से ले सकते हैं वैक्सीनेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की कैबिनेट ने विशेष उत्कृष्टता शिक्षा के साथ 100 स्कूल खोलने की मंजूरी दी। कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शिक्षा के साथ 100 स्कूल खोलने का वादा किया है।
तो ये आंसर हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर जो कि डिप्टी सीएम है मनीष कैबिनेट, तो दिल्ली के कैबिनेट जो है वो मार्च 22, 2021 में ये अप्रूवमेंट दी है कि एक्सीलेंस एडुकेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टेम जिसको बोलते हैं, इन सभी में 100 स्कूल्स खोलने की मंजूरी दे दी है दिल्ली में। तो सही आंसर है दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच नेशंस डिफेंस मिनिस्टर विल विजिट इंडिया लेटर दिस वीक? तो कौन सा राष्ट्र के डिफेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया आएंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए? तो इसका सही जवाब है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है सू वुक, ये नाम जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सू वुक जो है इंडिया आ रहे हैं राज मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिलने के लिए। वुक का ये इंडिया का विजिट जो है मार्च 25 टू 27 तक रहेगा। ये दोनों आपस में जॉइंट कोलैबोरेशन ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द न्यू लीगल ड्रिंकिंग एज इन दिल्ली? दिल्ली में नया ड्रिंकिंग एज क्या है, यानी कि कानूनी तौर से शराब पीने की उम्र क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है 21 ईयर्स, 23 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। सबसे पहले मैं बता दूँ कि प्रीवियसली जो लीगल ड्रिंकिंग एज थी वो थी ऑप्शन नंबर सी 25 ईयर्स। अभी इसको घटाकर 21 ईयर्स कर दी गई है थ्रू दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जो कि मार्च 22 को उन्होंने कहा था कि उसको गिराकर 25 ईयर्स को गिराकर 21 ईयर्स कर दिया जाना चाहिए। तो ये अब हो भी चुकी है, लागू हो चुकी है। चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की ओर। द सेंटर हैज़ आस्ट स्टेट्स टू इंक्रीज द गैप बिटवीन टू डोजेस ऑफ कोविशील्ड टू अप टू हाउ मेनी वीक्स? केंद्र ने राज्यों को कोविशील्ड की दो खुराक के बीच के अंतर को कितने हफ्तों तक बढ़ाने के लिए कहा है? क्योंकि जैसा कि हम लोग सबको पता है कि ये जो कोविड वैक्सीन का वैक्सीन दिया जा रहा है ये पहला डोज के बाद दूसरे डोज के लिए भी बुलाया जा रहा है, तो इस बीच जो है ये जो डिफरेंस है उसी को यहाँ पे गैप बोला जा रहा है बिटवीन टू डोजेस। तो ये कितने हफ्तों का होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 4 महीने, 4 हफ्तों का 1 महीना होता है, तो यहाँ पे 8 वीक्स मतलब 2 महीना। तो ये मैं बता दूँ दोस्तों 8 वीक्स ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को बता चुकी है कि दो डोजेस के बीच का फासला जो है वो 28 डेज से लेके 66 से लेके 8 वीक्स तक होना चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट्स। और ये लागू होता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो भी कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जा रहा है उन पे, ना कि बायोटेक कोवैक्सीन पे। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन पे ऐसी कोई ये नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी करंट अफेयर्स जानने का मौका मिलेगा आपके थ्रू आप अगर शेयर करेंगे। और अगर हमारे चैनल पे आप अगर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर रोज़ लाते रहता हूँ आप ही लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।